नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोर अग्रवाल, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ चिरायु अस्पताल, आप सबका स्वागत है। आज हम बच्चों में जन्म से एक वर्ष तक लगने वाले टीकों के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म के पश्चात बच्चे को सर्वप्रथम BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। इसे हम जन्म से 7 दिवस के भीतर लगा सकते हैं। इसके पश्चात 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह तक एक एक माह के अंतराल से बच्चों में DPT, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, HIV और साथ में हेपेटाइटिस बी के 3 टीके लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह पे बच्चों में PCV व रोटा वायरस के टीके लगाए जाते हैं, जो कि बच्चों को क्रमशः निमोनिया व दस्तों की बीमारी से बचाव करते हैं। 10 पश्चात 6 माह और 7 माह की उम्र के ऊपर फ्लू से बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा 1 और इन्फ्लुएंजा 2 के टीके लगाए जाते हैं। 9 महीने की उम्र पे बच्चे को 3 बीमारियां, मीजल्स, मम्स और रूबेला से बचाव के लिए 1 टीका, जिसको MMR का टीका कहते हैं, वो लगाया जाता है। साथ ही बच्चों में आजकल एक नया टीका टाइफाइड का है, जिसको टाइफाइड TCV कहते हैं, उसका भी 1 डोज हम लगा सकते हैं। ये हैं टीके हैं जो कि बच्चे को जन्म से 1 माह की 1 साल की उम्र तक लगाए जाते हैं। धन्यवाद।